दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आपको हमने पार्ट वन में रनिंग का कॉल डालना बताए हैं और पार्ट दो में हम आपको स्टार्टिंग का कॉल डालना बताएंगे, तो इस तरह से आपको कॉल साइज निकाल लेना है। क्योंकि तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से स्लिपिंग के सहारे से आपको कॉल साइज निकाल लेना है। और इसके बाद में कॉल साइज निकालने के बाद में इसकी कॉल बनाना है और कॉल बनाने के बाद में वाइंडिंग करना है। तो देखिए जिस तरह से हम कॉल साइड निकाल रहे हैं, इसी तरह से आप भी कॉल साइड निकालिएगा। तो इस तरह से कॉल साइड निकाल लेना है और इसके बाद में इसकी कॉल बनाना है, वो भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको सभी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से चलिए हम मशीन पर चलते हैं और इसकी कॉल बनाते हैं। तो दोस्तों हम मशीन पर आ चुके हैं और इस तरह से स्लिपिंग से कॉल साइड निकाले हुए हैं, उसी से आपको इस पे इस तरह से नाप पर लगा देना है और इसके बाद में इस तरह से टाइट कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको लगाकर और टाइट करना है और इसके बाद में इसकी कॉल बनाना है। तो एक कॉल 28 नंबर कॉपर वायर से कॉल हमारी बनी। तो चलिए दोस्तों इसको हम इस तरह से पेचकस से और इंच से टाइट कर लेते हैं और टाइट करने के बाद में इस पे हम कॉइल बनाते हैं। तो देखिए हमने 28 नंबर कॉपर का वायर ले लिया है और इसी कॉपर के वायर से इसको हमको बनाना है। क्योंकि दोस्तों इसके हमको दो कॉइलें बनाना है, फर्स्ट और सेकंड दो कॉइलें बनाना है। तो फर्स्ट में आपको 115 टने रखना है। तो चलिए हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप मीटर पे देखिएगा क्योंकि दोस्तों देखिए इस तरह से ये मशीन से एक राउंड में 10 राउंड घूमता है। तो इसी से हमको 115 टने रखना है 28 नंबर कॉपर वायर से। तो देखिए इस तरह से ये हमारी फर्स्ट कॉइल बनने वाली है और इसके बाद में हम सेकंड कॉइल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉइल में हमको 115 टने रखना है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से मशीन से 115 टने में हमको रखना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 115 टने हो गया, ये हमारी फर्स्ट कॉइल बनके कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से अब सेकंड कॉइल भी बनके कंप्लीट कराना है। तो देखिए मशीन से इसी तरह से सेकंड कॉइल भी कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड कॉइल कंप्लीट करने के बाद में इसकी हम रिवाइंडिंग करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह से दो सेट बनाना है, क्योंकि हम आपको एक सेट बना के रिवाइंडिंग करके आपको दिखा देते हैं और इसी तरह से आपको दो सेट बनाना है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा 120 टन रहेगा, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड दो कॉइलें बन चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद में रिवाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम वायर से इसको बांध रहे हैं और बांधने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको सभी प्रकार मोटर बाइंडिंग का वीडियो आपको मिलेगा और सभी प्रकार मोटर बाइंडिंग का डाटा मिलेगा। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट कॉइल बन चुकी है एक सेट, और इसी तरह से आपको एक सेट और बना लेना है। तो ये बन चुकी है, चलिए हम इसकी रिवाइंडिंग करते हैं और आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कॉइल हमने बना लिया है, अब इसको बाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसका कॉइल पिच 1 से 10 रहेगा, इसका कॉइल पिच 1 से 10 रहेगा। तो इसको चलिए फर्स्ट कॉइल को हम रिवाइंडिंग करते हैं और आपको दिखाते चलते हैं, इसी तरह से आप भी रिवाइंडिंग कीजिए। तो ये फर्स्ट कॉइल हमको लेना है और ये आप देख पा रहे हैं इसी तरह से आपको रिवाइंडिंग करना है। फर्स्ट कॉइल को आपको इस तरह से रिवाइंडिंग करना है और हल्का पतला कर लेना है इस तरह से, ताकि आपका कॉइल डालने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 1 से 10 में कॉइल को डाल रहे हैं एक साइड का। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी रिवाइंडिंग कीजिए और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद में ये हमारी फर्स्ट एक साइड का रिवाइंड हो चुका है और इस पर हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। स्लॉट पेपर लगाने के बाद में उस साइड का भी रिवाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों उस साइड का इसी तरह से रिवाइंड करते हैं और उस साइड का जब भी आपको रिवाइंड करना है तो थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डालना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक साथ में सभी वायरों को डालते हैं तो आसानी से रिवाइंड नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से उस साइड का भी रिवाइंड हो चुका है।
तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल ज्वाइंट हो चुकी है। अब इस पर हम स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से स्लॉट पेपर आपको लगाना है। तो ये हमारी फर्स्ट कॉइल रिवाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद में हम सेकंड कॉइल रिवाइंड करेंगे। उसका कॉइल पिच रहेगा दोस्तों 1 से 12, 1 से 12 इसका कॉइल पिच रहेगा। तो इसको भी इसी तरह से रिवाइंड करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको भी इसी तरह से रिवाइंड कर देते हैं। और ये हमारी स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकेंड दो कॉइल रिवाइंड होने वाला है। देखिए दोस्तों, एक साइड में इसको आपको इस तरह से रिवाइंड कर लेना है और इसके बाद में उस साइड का भी रिवाइंड करते हैं। तो देखिए, एक साइड का हमारा रिवाइंड हो चुका है और इसमें आप स्लॉट पेपर लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको स्लॉट पेपर लगा लेना है रिवाइंड के बाद में, और स्लॉट पेपर लगाने के बाद में उस साइड का भी रिवाइंड करना है। तो दोस्तों, उस साइड का रिवाइंड करने के लिए आपको हम बार बार बताते चले आते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप उस साइड का रिबाइंड करें तो थोड़ा थोड़ा वायर कर करके ही डालिएगा, ताकि आपको बाइंडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आपका कॉइल बाइंड हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी फर्स्ट और सेकंड दो कॉइलें हमारी रिबाइंड हो चुकी है, और इसके बाद में उस साइड का कॉइल रिबाइंड करेंगे। तो उसका वीडियो कश भी थोड़ा तेज कर देंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए उस साइड का रिबाइंड करेंगे तो वीडियो कश भी थोड़ा तेज कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये हमारी एक साइड का स्टार्टिंग का कॉइल रिवाइंड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग आई है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आपको सभी जानकारी मिल सके। वीडियो को स्किप कहीं भी मत कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी कॉइल रिवाइंड हो चुकी है। चलिए दोस्तों, वीडियो का इस पर थोड़ा तेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल हमारी रिवाइंड हो चुकी है। अब इसमें हम आपको इसका कनेक्शन बताएंगे और सिलाई बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से ग्रीन पेपर ले लेना है, और इस तरह से ग्रीन पेपर आपको कट करके आपको लगाना है रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग हमारा एग में शॉर्ट ना हो। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से हम हरा पेपर को लगा रहे हैं, इसी तरह से आप भी लगाइएगा, ताकि आपका रनिंग और स्टार्टिंग एग में शॉर्ट ना। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। देखिए, एक साइड में हमने ग्रीन पेपर को लगा दिया है, और इसी तरह से उस साइड में भी हमको ग्रीन पेपर लगाना है। जिस तरह से इस साइड में लगाए हुए हैं, इसी तरह से इस साइड में भी हमको ग्रीन पेपर लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपको हम बताए हैं, उसी तरह से इस साइड में भी आपको ग्रीन पेपर लगा लेना है। तो चलिए, हम इस तरह से ग्रीन पेपर लगा लेते हैं और इसके बाद में इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो का स्पीड थोड़ा हम तेज़ कर देंगे, सिलाई करेंगे तब वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज़ कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ग्रीन पेपर लग चुका है, और ग्रीन पेपर लगाने के बाद में अब हमको सिलाई करना है। तो आपको धागा ले लेना है और वायर का सुई बना लेना है, उसी से इसका सिलाई करना है। तो देखिए, ये हमारा ग्रीन पेपर लग चुका है और अब हम इसकी सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से वायर का एक धागा और सुई बना लेना है। तो चलिए, वीडियो कट पे थोड़ा तेज कर दें और इसकी सिलाई करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक साइड का हमारा
पूरी तरह से सिलाई हो चुका है, देखिए क्या फिनिशिंग आई है। और इसी तरह से इस साइड का भी हमको सिलाई करना है, तो इसमें आपको हम कनेक्शन बताएंगे और कनेक्शन बताने के बाद में इसकी सिलाई करेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको सभी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से इस साइड का भी सिलाई करना है, तो चलिए इसका हम कनेक्शन आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उस साइड का हमने सिलाई कर लिया है और इस साइड का सिलाई करने वाले हैं। तो इसमें आपको हम कनेक्शन बताएंगे। और देखिए इस तरह से हमने इसमें बीच में पेपर, ग्रीन पेपर को डाल दिया है, ताकि रनिंग और स्टार्टिंग आपस में टच ना हो। तो सबसे पहले आपको हम कनेक्शन बताते हैं। तो इन सभी वायरों में आपको सबसे पहले एक नंबर स्लिपिंग डाल लेना है इस तरह से। तो चलिए हम इन सभी पे एक नंबर स्लिपिंग डाल लेते हैं और इसके बाद में इसका कनेक्शन करते हैं, वो भी आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाते चलते हैं। तो आप लोग कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। तो सभी में आपको इस तरह से एक नंबर स्लिपिंग डाल देना है इस तरह से, देखिए इन सभी वायरों में। तो चलिए हम सभी में स्लिपिंग डाल लेते हैं और इसके बाद में आपको कनेक्शन बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सभी में हमने एक नंबर स्लिपिंग डाल दिया है इस तरह से। अब इसको आपको कनेक्शन बता देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसका कनेक्शन करना है। तो ये चार वायर हमारा हो गया स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का वायर हम ऊपर की साइड में इस तरह से कर देते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये हमारा चार वायर बचा हुआ है, तो ये हमारा रनिंग का वायर है। तो इसको सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये हमारा इनर वायर है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बाइंडिंग करने के लिए। और इस साइड में ये हमारा आउटर वायर है, इसको ऊपर की साइड में मोड़ देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा इनर वायर है, ये हमारा आउटर वायर है। तो हम इन आउटर को और इस आउटर को, इस वाली कॉइल के आउटर को और इस वाली कॉइल के आउटर को, देखिए इस आउटर कॉइल को और इस आउटर कॉइल को एक में इस तरह से जोड़ देना है। तो इसमें सबसे पहले आपको इस तरह से एक स्लिपिंग डाल लेना है। तो स्लिपिंग को इसमें डाल देते हैं इस तरह से, और इसके में इस आउटर को एक में जोड़ देते हैं इस तरह से जोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हमको कटर से कट कर देना है, क्योंकि फालतू का वायर हम कट कर देते हैं, देखिए इस तरह। अब इस स्लिपिंग को इस पर चढ़ा देते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से चढ़ा देते हैं। अभी हमारा रनिंग का कनेक्शन हो चुका है, क्योंकि दोस्तों दो वायर है इसमें हमारा, ये बाहर कनेक्शन का निकलेगा। और इसी तरह से इसमें भी कनेक्शन करना है आपको, देखिए इस आउटर वायर को, ये हमारा इनर वायर है और ये हमारा इनर वायर है, इसको साइड में कर देते हैं। और इस आउटर को आपको एक में जोड़ देना है, इन दोनों आउटर को आपको एक में जोड़ देना है। तो इसमें भी सबसे पहले आपको इस तरह से स्लिपिंग एक को तीन नंबर डाल देना है, और इस स्लिपिंग को आपको इसमें डाल देना है, इसके बाद में वायर को जोड़ना है। देखिए इस स्लिपिंग को हम डाल दिए हैं और अब इस वायर को जोड़ देते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हम इस वायर को जोड़ दिए हैं और ये फालतू का वायर कट कर देते हैं। अब इस स्लिपिंग को इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, देखिए दोस्तों दो स्टार्टिंग का और दो रनिंग, चार वायर माला निकला हुआ है। अब इन चार वायर को हम बाहर की साइड में निकाल देते हैं, और इसके बाद में कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप भी कनेक्शन की, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अब इस, तो देखिए दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया। अब इन चार वायर को हम बाहर निकाल देते हैं। एक काला वायर हम रनिंग पे लगा देंगे और इस रेड वायर को स्टार्टिंग पे लगा देंगे। तो इस तरह से चलिए हम इसको लगा लेते हैं और वीडियो का स्पीड थोड़ा तेज़ कर देते हैं और इसको लगाते हैं, इसके बाद में इसकी सिलाई करते हैं। Thank you.
देखिए दोस्तों, ये इस तरह से सिलाई होके और कनेक्शन होके कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जो स्लॉट पेपर लगा हुआ है ना, उसको आपको इस तरह से पेचकस से नीचे के साइड में दाब देना है। कहीं कहीं आपका पेपर इस तरह से उठा होगा तो उसको आपको इस तरह से पेचकस से नीचे के साइड में दाब देना है, ताकि आपका रोटर इसमें कहीं बचे ना, आसानी से चले। जिस साइड में आपका पेपर उठा हो उसे आप इस तरह पेचकस से सही कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं क्या फिनिशिंग के साथ इसकी बाइंडिंग हो गई है, सिलाई भी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको हम सीरीज से अच्छे हैं, और इसके बाद में इसमें हम वार्निश डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने सीरीज बोर्ड ले लिया है, और इसे अब चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, ये दो काला हमारा रनिंग का है, और ये दो स्टार्टिंग का। तो इस तरह से ये हमारा टेस्टिंग भी हो गया है, बॉडी से कहीं शॉर्ट नहीं है। तो अब इसमें हम वार्निश डालेंगे, और वार्निश डालने के बाद में इसको फिटिंग करेंगे। तो अगर आपको फिटिंग का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको फिटिंग करना भी बता देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।